मटके से बाहर कैसे निकल आई? अगर मैं अपने आरव जी के लिए माया लोक में आ सकती तो वो मटका कौन सी बड़ी बात है? बताओ आरव जी कहाँ है? बड़ी बात तो तुझे तब पता चलेगी जब तू जिंदा रहेगी। नहीं, मैं तुझे कैसे मार सकती हूँ? तू तो मेरी खास मेहमान बनकर आएगी। आज मेरी और आरव की संगमनी जो है, जैसे तुम लोगों की मंगनी होती है, वैसे हमारे यहाँ संगमनी होती है। बकवास बंद करो तारा, बता दो आरव जी कहाँ है, वरना। तू इतनी भी ताकतवर नहीं हुई है कि माया लोक में आके तारा पे हाथ उठा सके, और इस बेवकूफी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे मेरे आरव जी के पास जाना है, बताओ कहाँ है वो? भूल जा आरव को, क्योंकि अब तू वो नजारा देखने वाली है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा लगा ये नजारा? ये है आरव और ये है तारा। ये दोनों चांद मेरी और आरव की आत्माएं हैं, जो आज संगमनी के बाद एक हो जाएंगे, जिसका नजारा तुम अपनी आंखों से देखोगी। तारा, तेरे हिस्से में बस थोड़ी सी और तड़प लिखी है, चुपचाप सहन कर लो, क्योंकि नीचे धरती लोक पे मैंने तुम्हारी बर्बादी का पूरा इंतजाम कर दिया है। आरव जी, आप कहाँ हैं? आरव जी कहाँ? लो, आ गया मेरा आरव। अब तुम हम दोनों के मिलन का नजारा जी भर के देखना। अभी होगी संगमनी और फिर थोड़ी देर बाद शादी, और फिर उसके बाद आरव हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। आरव जी प्लीज होश में आइए, उसके वश से निकलने की कोशिश कीजिए। आरव जी प्लीज मेरी तरफ देखिए। आरव जी, मैं आपकी सिमर हूं। आरव जी प्लीज मेरी तरफ देखिए, प्लीज। आरव, ये देखो, ये माया लोक का चांद है जिन पे हमारा नाम लिखा है। आज इन दोनों चांद की ताकतें हमें एक कर देगी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आरव जी, उसके बाद से निकलने की कोशिश कीजिए, प्लीज होश में आइए। आरव जी, वहां धरती में बड़ी मां, पापा, मां, देवर जी, अतिथि सब आपका इंतजार कर रहे हैं।
सबको आपकी फिक्र है आरव जी, प्लीज प्लीज होश में आइए। मेरे गले में ये मंगलसूत्र देख रहे हैं आप आरव जी, ये आपने खुद अपने हाथों से पहनाया था। ये हमारे मिलन की निशानी है आरव जी, आप इसे नहीं भूल सकते, इसे नहीं भूल सकते आरव जी। किसी और के नहीं हो सकता, होश में आइए अरुण, होश में आइए। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही, प्लीज होश में आइए अरुण, प्लीज होश में आइए। कहीं सिमर की बातों का आरोप पर असर ना हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इसके शब्द इसकी आवाज ही छीन लूंगी। हमारी संगमनी का समय हो चुका है, आइए। हे माता रानी, मेरा एक मात हथियार, मेरी आवाज भी छीन ली गई, मैं आरव जी को कैसे बचाऊं, कैसे अनहोनी होने से रोक। मुझे हिम्मत दीजिए माता रानी, प्लीज मुझे शक्ति दीजिए। ये माया लोक के चांद से बनी अंगूठी हमारे मिलन की निशानी बनेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे आरव जी किसी और के नहीं हो सकते। मंगलसूत्र, मेरे सिंदूर का मान रखिएगा आरव जी, अब प्लीज प्लीज उस तारा को अंगूठी मत पहनाइएगा, प्लीज आरव जी प्लीज। आरव, क्या सोच रहे हो, पहना दो मुझे अंगूठी और हमारे मिलन पर हमेशा हमेशा के लिए छाप लगा दो, बना लो मुझे अपना और खुद को बनने दो मेरा। मैं क्या करूंगी, आरव जी ने तो अंगूठी भी पहना दी, मेरे हाथ बंद है, आवाज भी नहीं, अब मैं कैसे तारा से लड़ूंगी, मैं क्या करूं माता रानी। ये तू ठीक नहीं कर रही है तारा, ये तू ठीक नहीं कर रही है, ये मिलन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होने दूं, मैं आरव जी को अपने साथ वापस अपनी दुनिया में लेकर जाऊं। जाओ आरव, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, 5 घंटे बाद हमारी शादी का जश्न शुरू होने वाला है। मेरे पास सिर्फ 6 घंटे बचे,
बस हो गया तारा, तूने आज अपने मतलब के लिए सारी हदें पार कर दी है। तू अपने फायदे के लिए माया लोक का नियम कानून ऐसे नहीं तोड़ सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ये दोनों चांद एक नहीं होने दूंगी। बचाओ मुझे। तू क्या, इस दुनिया की कोई भी ताकत हमारा मिलन होने से नहीं रोक सकती, और अगर किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की तो वो तारा के कहर से नहीं बच पाएगा।